खजूरी खास में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मर्डर होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल। परिजनों ने कहा पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहदरा जिला पुलिस ने सट्टा रैकेट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैश, सट्टे का सामान और 262 टोकन किए रिकवर। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में पहले से आई गिरावट। टमाटर के रेट्स पहले से हुए कम। थोक मंडी में टमाटर 30 रुपए किलो, बाहर मंडी में बिक रहा है 60 रुपए किलो। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने पर दुकानदार नहीं है सहमत। सरकार उन पर पहले पाबंदियां लगाए जहां ये बनती हैं। सरकार को सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट निकालना चाहिए। हसनपुर में लंबे समय से बदहाल पड़ा है फुट ओवरब्रिज। रात के समय लोगों को जाने में लगता है डर। सालों से खराब है एस्केलेटर और लाइटें। शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार बीती रात एक 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10:40 पर लड़के के सीने में गोली मारी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सोहेल है। सोहेल पिछले 6 साल से श्रीराम कॉलोनी में अपने चाचा के साथ रह रहा था। वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। सोहेल के चचेरे भाई मुबारक अंसारी ने कहा कि सोहेल मेरी मौसी का बेटा है। वह यहाँ श्रीराम कॉलोनी हमारे साथ रहता था। CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जब मृतक के परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। कारखाने से गया था लगभग 3 बजे दोपहर को। उसके बाद कोई पता नहीं चला कहाँ पर गया, किसके साथ था, क्या हुआ। क्या बता के गया था? हमें कुछ नहीं बता के गया है, बस ऐसे गया। मेरे को पता लगी 9 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो मर्डर हुआ भाई। इसका गोली वोली लग गई। पैसे का लेन देन नहीं, ना कोई दुश्मनाई, ना कुछ नहीं, ऐसा मामला था। वहाँ पर मैंने ऐसे ही पढ़ा था, वो गोली लग गई थी। कितनी गोली लगी हुई थी? कुछ साइड 3 से 4 बतला रहे हैं। 3 से 4। ये खजूरी खास पे कहाँ? खजूरी खास पे श्री राम कॉलोनी में सरकारी स्कूल के पास MCD का स्कूल है, वहाँ पर उसी के कोने पे। तो सर अभी कोई पता नहीं चला किसने मारी, क्या हुआ। सोहेल किस चीज़ का काम करता है? सिलाई लाइन का, बिरा का, मामा के लड़के के यहाँ पे काम करता था। आप क्या लगता है सोहेल के? सगा भाई हूँ मैं। 9:42 में मेरे पास पहुँचे, वो बोले सोहेल नाम का लड़का कौन है। मैंने कहा मेरी मौसी का लड़का है। तो मैं बनियान में था, वो बोले आप सेट पहन लो और चलो। मैंने पूछा भाई बात बताओ बात क्या। कह लगे वो सोहेल का मर्डर हो गया। नहीं, उसने मेरे से कोई जिक्र नहीं करा। बोल के 6 बजे के आसपास मेरे लड़के ने उससे बात करी थी, कहीं भेजना था उसको काम से। तो वो बोला मुझे काम है, मुझे काम करना है, तू चला जा। भाई इतनी बात हुई थी। उसके बाद मैं को हो सकता घूमने गया हो। 3 जगह जख्म है, एक सर में है उसके, 2 जगह पेट में है। अभी कुछ नहीं बताया हमारे को इन्होंने। बल्कि रात फोटो भी खींचना चाहे तो इन्होंने फ़ोटो भी नहीं खींचने दिया। अभी कोई डिटेल ये तो दे ही ना रहे, हम इसे पूछ रहे हैं। और इसके बारे में हमें कोई अभी तक कोई इशू ही नहीं मिल रहा कि क्या वजह हुई। शाहदरा जिला पुलिस ने सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया है। मकान मालकन, महिला और 2 ऑर्गेनाइजर समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 4,05,430 रुपये बरामद किए हैं। पूरा सट्टा रैकेट फरीदाबाद से ऑपरेट हो रहा था। मकान मालकन के अलावा सभी और आरोपी फरीदाबाद से हैं। सट्टा ऑपरेटर की पहचान अमित अरोड़ा उर्फ लालू और ललित गांधी के तौर पर हुई। दोनों पर पहले से गैम्बलिंग एक्ट का एक एक केस दर्ज है। DCP शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि 27 मई को जगतपुरी के गगन विहार में सट्टा चलने की खबर मिली। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास कुमार की लीडरशिप में SI विनीत, HC अनुज और विजय, राजीव, राजेश, सर्वेश, सिपाही हरकेश और नितिन की टीम बनाई गई। रेड में पुलिस ने 17 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें मकान मालकिन भी शामिल थी। 4 लाख से ज्यादा कैश, सट्टे का सामान और 262 टोकन रिकवर किए गए हैं। सब्जियों के रेट्स पिछले 2 दिनों से कम हो गए हैं।
जो टमाटर पहले मंडी में 60 रुपए किलो बिक रहा था थोक मंडी में, अब वो थोक मंडी में 30 रुपए किलो बिक रहा है। और बाहर की मंडी की बात की जाए तो 60 रुपए किलो बिक रहा है, जो 100 रुपए किलो पहले था। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से पहले रेट्स बढ़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे रेट्स कम होते जा रहे हैं। हाँ, 4 दिन बाद में माल आने लगा, रेट गिर गया। नींबू 120, नींबू तो बहुत गिर गया, 50 रुपए पाव बिकता था, 30 रुपए पाव बिक रहा है, 200 रुपए किलो से 120 हो गया। नहीं नहीं, सब सस्ता हो गया। हरी सब्जी तोरी 40 रुपए किलो, भिंडी 50, मटर तो 100 रुपए किलो। बीच में हो गया था महंगे, फिर गिरावे हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी कम से कम 60 रुपए किलो हो गया था। नींबू की तो गिरावट हो रही है, नींबू अभी 40 की पाव हो गई, तोड़ी 40 रुपए किलो हो गई, करेला 15 रुपए पाव। सब्जी में हरी सब्जी में कोई चीज़ अभी महंगी नहीं थी, नींबू महंगी थी सस्ती हो गई है। टमाटर का रेट सस्ता था, महंगे होकर फिर गिरावट आ रही है उसकी। और मटर, मटर तो 120-100 ऐसे चल रहा है। मंडी का रेट टमाटर का, ये अपना इस पर फसल कम होने की वजह से टमाटर के जो अच्छे माल हैं वो 700 से 800 रुपये केट बिक रहे हैं, मतलब 30 रुपये किलो की रेंज में बिक रहे हैं। किलो के हिसाब से क्या रेट है इनका? किलो के हिसाब से 30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बिक रहे हैं। और जो हाईब्रिड टमाटर है वो 30 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। जो पंजाब का टमाटर है वो 20 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी टमाटर माल के अंदर लोग गर्मी की वजह से माल में खराबी होने की वजह से माल तेज पड़ रहे हैं, 25 किलो में 10-15 किलो ही बढ़िया निकल पाता है। अभी 300 से लेकर 800 तक किलो के हिसाब से क्या रहे? किलो मान लो आप 30 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक। अभी तो महंगा ही नहीं हुआ सर, अभी तो मध्य ही है टमाटर। हाँ, महंगा अब होगा, अगले महीने तो होगा महंगा। तो कितना महंगा हो सकता है? अभी हो सकता है 50 से 60 रुपए किलो तक हो सकता है आगे जाके अगले महीने। केंद्र सरकार की योजना है कि 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार चरणबद्ध तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले 1 जून से दिल्ली सचिवालय के सभी दफ्तरों में इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। CCN की रिपोर्टर वंदना ने कृष्णानगर के दुकानदारों से इस पर बात की तो दुकानदारों ने इसका विरोध किया। दुकानदारों ने कहा कि सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का रेडी पटरी वाले इस्तेमाल करते हैं, सरकार को किसी भी चीज पर रोक लगाने से पहले उसका अल्टरनेट निकालना चाहिए। सरकार उन लोगों पर ये कार्रवाई क्यों नहीं करती जिन फैक्ट्रियों में ये बनती हैं? दूध की थैली हो, जूस के ग्लास हो, स्ट्रॉ हो, इन सब के लिए भी कोई ऑप्शन निकालना चाहिए। हाँ, यह मानते हैं कि इनसे पॉल्यूशन होता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए घातक हैं, गाय इनको कूड़े में खाती हैं, नालियां भी जाम हो जाती हैं, लेकिन सरकार को कुछ इसके लिए अल्टरनेट निकालना चाहिए। कि बैन की पहले जब बात आती है, हमेशा जब भी सरकार को बैन करना होता है वो लास्ट यूजर पे क्यों करते हैं? जैसे अगर आज हम आंकड़े देखें तो अगर प्लास्टिक को देखते हैं तो 85% उत्पादन गुजरात में होता है, अकेले गुजरात के अंदर 85% पॉलिथीन बनाई जाती है। लेकिन बैन किया जाएगा आखिरी कंज्यूमर को, अगर वो जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जैसे गुजरात में उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को बंद कर दो ना, गंगोत्री बंद कर देंगे तो गंगा समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि पहले उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने वाला कमाता है, फिर उसका आगे वो होलसेलर है वो कमाता है, आगे सारी चैन कमाती है, और जब लास्ट कंज्यूमर पे यूज करने की बात आती है वो कहते हैं ये बैन है। वैसे तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी, या जो जो हमारी सीवर प्रॉब्लम्स हैं, या नाली की दिक्कतें हैं, या पानी चौक हो जाता है, या सड़कों पे पानी भर जाता है। इसका बेसिक कारण यही है कि कहीं ना कहीं पे ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं उसका एक मूल कारण। मगर इसके साथ दुकानदार आदमियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है दिल्ली गवर्नमेंट की कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो जरूर सुझाए, क्योंकि एकदम से वो जो कहते थे जूट का थैला करो, कपड़े का थैला लाओ, तो ग्राहकों को इसकी आदत अभी तो है नहीं। तो ऐसा दुकानदारों को कोई रिलैक्सेशन भी साथ के साथ दें कि इसकी जगह के ऊपर सिंगल प्लास्टिक यूज़ की जगह पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट दें जो कि ले भी जाए आदमी, ख़त्म हो जाए, जिसकी एक लाइफ हो। देखा जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जैसे सीवर प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बंद बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर ऑल्टरनेट के साथ। या तो अब जैसे हमारा ही काम है, जैसे शर्टों का काम है, अगर प्लास्टिक ना हो तो शर्टों का लुक ही ना आए, ना पैंट्स का लुक आए, तो अब इसका अल्टरनेट क्या है? अगर हम इसको बिना पन्नियों के भी रखें तो दिन भर मिट्टी बहुत है। हसनपुर पर बना फुटओवर ब्रिज पिछले काफी लंबे समय से बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रहा है। यहाँ के शेड टूटे हुए हैं, रात के समय अंधेरा रहता है और कोई लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिससे लोग रात के समय इस फुटओवर ब्रिज को इस्तेमाल करने में डरते हैं।
वहीं यहां पर एस्केलेटर लगी हुई है जो कई सालों से खराब पड़ी है, लेकिन कोई भी इसे दुरुस्त करने में सक्षम नहीं है, जिससे यहां से गुजरने वाले बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं सभी को फुटओवर पार करने में काफी परेशानी होती है। लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के पैर वगैरह मोच आती है तो उनको प्रॉब्लम होती है काफ़ी, और उतरने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्सीलेटर को ख़राब हो रखा है काफ़ी टाइम से, नहीं एक बार फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ था तब से ही चालू है, तब उसके बाद बंद हो गया। मैम यही कहूँगा कि लोगों को बहुत असुविधा हो रही है इसकी वजह से, जो बुज़ुर्ग महिलाएँ होती हैं और जिन्हें चलाया जाता है तो उनको जीने जाना पड़ता है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, तो दिक्कत होती है काफ़ी उन्हें। अगर एक्सीलेटर मशीन ठीक होती तो उन्हें सहूलियत हो जाती है रोड क्रॉस करने के लिए। अब या तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है या फिर मेन रोड से क्रॉस करते हैं, तो अगर रोड से क्रॉस करते हैं रेड लाइट पे से तो वहाँ पे गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है, वहाँ से खतरा रहता है। बार बार यहीं से रोड रोज गुजरते हैं, जाने में बहुत दिक्कत होती है। अरे बात है पौड़ियों पर जाना होता है, उसके बाद जो गरीब लोग में जो चलने में असहाय हैं जैसे कभी कभी, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। महिलाओं ज़्यादा अप डाउन इसी पर होता है क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग से ऊपर यहाँ क्रॉसिंग है तो ज़्यादा अप डाउन यहीं से होती है, बहुत ज़्यादा करते हैं। अरे हम तो 8 मंथ लगातार 7-8 मंथ से आए हो गए हमको यहाँ, मतलब लगातार हमको लगा वो तब से ही खराब। परेशानी चढ़ने उतरने में परेशानी, चढ़ने में परेशानी उतरने में परेशानी होनी चाहिए। बड़े बूढ़े को ना फायदा होना चाहिए, साधन होना चाहिए, फिर सरकार को क्या फायदा फिर जो साधन ना हो तो बेटा। पूर्व दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पिछले 4 मई को एक युवक और राहुल पर गोली बरसाने वाले बदमाश को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है। बदमाश का नाम राहुल और अमित पंडित है। पकड़ा गया आरोपी अनिल दुजाना गैंग का सदस्य है। डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि 4 मई को भजनपुरा में 5वें पुस्ते पर 2 लोगों पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें से विशाल और गौरव शर्मा घायल हो गए थे। इस मामले में मनीष डिड़ा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पुलिस को पूछताछ से पता चला था कि विशाल से पुरानी रंजिश चल रही है, इसी के चलते गैंगस्टर अमित पांडे के साथ मनीष पर गोलियां बरसाई थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया है। दिल्ली की तीनों नगर निगम एक होने के बाद निगम ने नए फरमान सुनाए हैं, जिसमें निगम के कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। निगम के नए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना जानकारी के 3 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। 1 दिन अनुपस्थित रहने पर वेतन काटा जाएगा। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने निगम के कर्मचारियों से बात की। इस विषय पर कर्मचारियों ने इस आदेश का विरोध किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएगा या काम पर जाएगा, घर में किसी की तबीयत खराब है तो घर के लोगों पर ध्यान देगा या काम पर जाएगा। निगम जो कर्मचारियों के और काम है, चाहे डीए का हो चाहे वेतन का हो, उन पर ध्यान दे, उन पर ध्यान नहीं दे रही है और आदेश जारी किए जा रहे हैं। देखिए तुगलकी फरमान है जो ये जारी कर रहे हैं, ये तो एक बाकायदा एक हठधर्मी हो रही है। कर्मचारियों समय पर इनके पास सैलरी देने के लिए नहीं है, उनकी सुविधाएं देने के लिए नहीं है, लेकिन सिकंजा कसने के लिए सब चीज है इनके पास। मतलब हिटलर शाही चला रखी है इन्होंने। ये हम हर किसी बर्दाश्त नहीं। अगर कर्मचारी बीमार होता है तो बतौर वो इतला दे सकता है, सस्पेंड करने की इनको क्या पावर है? अगर एक फंडामेंटल राइट है कर्मचारी का, अगर वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका तो अपनी सूचना वो फोन के द्वारा भी दे सकता है, अपने साथी के द्वारा या अपने बच्चों के द्वारा भी दे सकता है कि हमारे पिता की या माता की तबीयत खराब है। तो ऐसे ये फरमान जारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो जो मतलब कठिनाइयां हैं वो सारी सौंपने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी की है। जो सुविधाएं ना मेडिकल कैशलेस कार्ड है, कर्मचारी मौत के काल के राज में जा रहा है, उनको कोई सुनकर राजी नहीं है। अब तक जो भी कर्मचारी की डिमांड रही है, उनका पेंशन की हो या बोनस की हो, कच्चों से पक्का करने की हो या सैलरी की, और सैलरी तो अभी तक भी नहीं आई है कर्मचारी की। और तुगलक की फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 3 दिन जो भी एब्सेंट रहेगा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि सारी मांग डिमांड ऐसी कैसी पड़ी में। देखिए मैडम, ये फरमान जारी करा है अधिकारी, अभी जो विशेष अधिकारी बना के बैठाए हैं इन्होंने। हम 7 तारीख को एक नोटिस देने गए थे सैलरी को लेकर, वो हमारे लेबर ऑफिसर ने क्या कहा कि साहब अभी 1 महीने तक नहीं बैठेंगे, ना कमीशन बैठेगा ना हमारा वो बैठेंगे विशेष अधिकारी। तो मैडम ये बताइए, जब वो अधिकारी नहीं बैठ रहे और ये फरमान जारी कर रहे हैं, डीसी की ड्यूटी लगा दी है कि जाइए आप 7 बजे हाजिरी चेक किए, चलो हमारा कर्मचारी 8-7 बजे मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे लाभांश है कम से कम वो तो हमें समय पे दे दो। डॉक्टर भी 3 दिन तक अगर कोई बीमार अचानक पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बुखार हो जाए या कोई वायरल हो जाए तो 3 दिन तक तो वैसी तबीयत खराब हो जाती है। और ये कर्मचारी अनपढ़ है, उस अफसर के लिए इसलिए कह रहा हूं जो पागल हो गया, के ये कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार वाले ज्यादातर अनपढ़ है, वो किसे इन्फॉर्मेशन करेंगे?
पहले इलाज कराएंगे अपने पति का, अपने भाई का, अपने परिवार के व्यक्ति का, या फिर उसे पहले जाके वो करेंगे? यस सर, पागल हो गया। इस फरमान का हम तत्काल प्रभाव से पूरी यूनियन और समाज इसका विरोध करती है और करती रहे। निगम के लाइसेंस विभाग ने सर्वे किया जिसमें यमुना पार के करीब 1900 फैक्ट्रियों के पास लाइसेंस नहीं निकले, जिनमें से कई फैक्ट्रियों के चालान भी काटे गए। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से इस विषय पर बात की तो उनका कहना है कि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, जिससे कि लोग लाइसेंस आसानी से बनवा सकें। लोग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं पर निगम के कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से सीलिंग के लिए पहुंच जाते हैं। आसान सुविधा से लाइसेंस बनेगा तो लोग लाइसेंस बनवाएंगे। निगम में आसानी से लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। अगर लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करने के बाद भी लोग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको क्या आसानी से लाइसेंस मिल रहा है, उनको क्या अप्लाई करने के बाद लाइसेंस मिल पा रहा है, वो धक्के खा रहे हैं। क्यों कि जब हम सत्ता में थे तो हमने बहुत लोगों को लाइसेंस दिलवाए, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लोगों को ज़्यादा शिकायतें आने लगी हैं क्योंकि सभी लाइसेंस हम ऑनलाइन देते हैं। ऑनलाइन उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर उसको परेशानी आ रही है तो पहले हमें जो फैक्ट्री का लाइसेंस लेना चाहते हैं उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हम सीधा कार्रवाई करें ये ठीक नहीं है। उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, क्या एक ही चीज़ के लिए 10 चक्कर काटेंगे क्या? आप उसको आसान बनाइए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, वो लाइसेंस लेंगे। सब लोग चाहते हैं कि लाइसेंस से हम काम किए जाए, लेकिन उसके लिए अड़चन मत डालिए, उनको 10 चक्कर मत लगवाइए, उनके काम में बाधा मत बनिए। ये वो फैक्ट्री वाले हैं जो हमें इनकम टैक्स भी देते हैं, जो हमें वैट भी देते हैं, जो हमें सेल टैक्स भी देते हैं। इनके कारण से देश चलता है, इनके कारण से दिल्ली चलती है। इनको हम सुविधाएं दें, सभी लाइसेंस। गाजीपुर फूल मंडी में अमूमन लाखों रुपए के फूल का आवागमन होता है, मगर बढ़ता तापमान की वजह से मंडी फूल व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमने गाजीपुर फूल मंडी के व्यापारी से जाना कि बढ़ती गर्मी से फूलों को कितना नुकसान हो रहा है, तो मंडी व्यापारियों ने बताया कि लगभग 40% तक फूल खराब हो रहे हैं। इसी वजह से मंडी व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। मंडी व्यापारी बढ़ती गर्मी में फूल को बचाने के लिए बर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं। फूल में बर्फ लगाने के बाद फूल कुछ हद तक खराब होने से बच जाते हैं। बावजूद बढ़ते तापमान से मंडी में काफी नुकसान हो रहा है। मंडी व्यापारी ने बताया कि फूल मंडी में ए, बी और सी ब्लॉक के 2 में कोल्ड स्टोरेज लगा हुआ है, जबकि सी ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके चलते ज़्यादातर फूल की खराबी सी ब्लॉक में ही होती है। भैया कम से कम गर्मी 50% नुकसान होता है फूलों से। क्या सर, बर्फ लगती है आइस कोल्ड स्टोर में। रेटों में सर माल कम होता है महंगा बिकता है, और माल ज़्यादा होता है सस्ता बिकता है। बर्फ तो सर माल के ऊपर है ना, अभी नुकसान है सर, नुकसान है। अभी रेट अभी 11 चल रहा है, 20-15 है, अभी सस्ता हो गया है। एक फूल के जाते जाते लगते सूख जाता है, नुकसान हो जाता है, काम भी नहीं है और फिर खराब भी होता है गर्मी की वजह से कम नहीं तो 80% तो खराब होता ही होता है। एक दुकानदार को जैसे माल लेके बैठेगा और उसका नहीं बिकेगा तो नुकसान ही है। दो दिन तक तीन दिन तक माल टिकता है बर्फ में, फिर उसके बाद में अगर नहीं बिकता है तो खराब ही हो जाता है। बना करके हम माल को, हम जयमाला बनाते हैं, माला मंदिर की माला और या जयमाला, तो उसको हम बर्फ में लगाते हैं, बर्फ में लगाते हैं, दूसरे दिन को फिर चेंजिंग करते हैं और 3 तक मतलब चल जाता है। बर्फ़ लगा करके महंगा होता है, 200 की सिल्ली बिक रही है बर्फ़ की, निकल भी जाता है कभी कभी, कभी नहीं भी निकलता है। सर जैसे हमारी मंडी के अंदर काफ़ी कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है वो स्टोर में रख जाते हैं फूल, और पर जिनके पास देखो ऐसा है, हमारी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक 3 हैं, उसमें क्या है, उसमें हम लोग 2 में कोल्ड स्टोर हैं, और हाँ सी ब्लॉक में कोल्ड स्टोर नहीं है। वो क्या करते हैं, अपनी बर्फ़ लगा के उन फूलों को बचाते हैं। एक दिन में किसी का 1 ख़राब हो गया, किसी का 2 ख़राब हो गया, किसी का 3 ख़राब हो गया, थोड़ी जो बिक्री हो गई तो हो गई, फिर हम लोग बर्फ़ बचा के, हाँ बर्फ़ लगा के उसे बचाते हैं, एक दिन चल पाएगा। जैसे आज ख़रीदा है कल दुकानदारी हो जाएगी, परसों ये ख़राब हो जाएगा। फर्श बाजार इलाके के NSA कॉलोनी में सो रहे हेल्पर को 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट लिया।
बदमाश उनसे 7600 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पर्श बाजार थाने में लूटपाट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार के साथ गाजियाबाद के लोनी में रहता है। पूरा मामला ये है, मैं गाड़ी में रात को 2 बजे सो रहा था। अच्छा। एक कांच खुला हुआ था गाड़ी का, उससे बंदे 2 आए। अच्छा। जो पहले बंदा आता रहा उनने मेरे मुँह गन लगा दी। अच्छा। गन लगा के तो कहता वर्दी कहा तेरी, पैसे कहाँ? मैं कहा वर्दी मेरी यहीं पड़ी है, पैसे मेरे पास तो है नहीं, मेरी जेब में तो है नहीं, मेरी वर्दी से पैसे मेरे जेब में ही थे। तो वो निकाल लिए पैसे। कितने कितने पैसे? 7600 रुपये, 500 के 13 नोट। अच्छा। 200 के 3 नोट और 5 नोट 100 के। पुलिस में मैंने रिपोर्ट करा दी रात के 2 बजे जाके, जे रात के 2 बजे की। 2 बजे की घटना है। हाँ, जे कड़कड़ डुम्मा कोर्ट के पास हेड ग्वार हॉस्पिटल है, बाहर की घटना। रिवॉल्वर दीवार पर लगा रखी थी। हाँ। अब ये पता नहीं कि नकली है या असली है। बंदे तो मैंने पहचान लिए, वो बंदों के तो नाम तक दे दिए। पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें? पुलिस ने एक को तो पकड़ा था कल। अच्छा। उसको तो शायद जेल भेज दिया कल शाम को। अच्छा। कहते हैं भागवत को सुनने से इंसान के जीवन में बदलाव आता है और भव से बेड़ा पार होता है। भागवत के श्रवण करने से इंसान के दुखों का पलायन हो जाता है। खजूरी खास में पिछले 7 दिनों से भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका आज विधि विधान के साथ समापन किया गया। भक्तों ने हवन किया, भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवत में किया गया। भक्ति का हर रस इन 7 दिन में बरसा। लोगों ने इसमें डुबकी लगा के अपने जीवन को कृतार्थ किया। भारी संख्या में भक्तों ने आकर भागवत का श्रवण किया है। मैं बाप का भागी नहीं बनूंगा, मैं रथ को यहीं से लौटाऊंगा। कन्हैया ने योग माया को इशारा किया, रे माया बुद्धि फेर काका की, नहीं तो मेरी लीला रुक जाएगी। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया गर्मी बहुत है, इच्छा हो रही जमुना जी में नहा लूं क्या? कन्हैया बोले, हाँ काकर नहा लो। अक्रूर जी ने जमुना जी में प्रवेश किया और गोता लगाया। जैसे गोता लगाया तो अक्रूर जी ने जमुना जी में क्या देखा, शेष नाग की सैया के ऊपर कन्हैया लेटा है और लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।